कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए, लंबे घने बाल पाइए। हमारी त्वचा में करोड़ों सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब हम केवल केमिकल से बने साबुन इन क्रीम आदि लगाते हैं तो ये खतरनाक केमिकल्स हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि ने लगभग 85% प्राकृतिक तत्वों एलोवेरा, नीम, हल्दी, चंदन आदि जड़ी बूटियों से एलोवेरा, हल्दी, चंदन, नीम, मुल्तानी मिट्टी, मोगरा एवं मिंट, तुलसी, हनी रोज आदि नेचुरल बाथ सोप्स तैयार की है। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, राजकोट में जनसभा को किया संबोधित। पीएम बोले, हमारी सरकार ने किया सबका साथ सबका विकास। गुजरात चुनाव पर बीजेपी का फोकस, पीएम मोदी के गुजरात दौरे के जरिए पाटीदारों को साधने की कोशिश, पाटीदार समुदाय में बीजेपी का नहीं है प्रभाव। देवबंद में जमीयत का 2 दिनों तक सम्मेलन, ज्ञानवापी मामले पर मौलाना नियाज अहमद फारूकी का बड़ा बयान, बोले दिलों के मंदिर टूट जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा। धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर तेज हुई बहस, अब कथावाचक देवकी नंदन भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ 1 हफ्ते में 4थी याचिका हुई दायर। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज, सीएम धामी के लिए प्रचार करने उत्तराखंड पहुंचे यूपी के सीएम योगी, चंपावत से सीएम धामी लड़ रहे हैं चुनाव। सरकार का बड़ा फैसला, अब 424 लोगों को दी गई सुरक्षा ले ली गई वापस, इससे पहले अप्रैल में पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं सहित 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का दिया गया था आदेश। सांसद कार्ति चिदंबरम से लगातार 3रे दिन भी जारी पूछताछ, वीजा के बदले रिश्वत लेने का लगा है आरोप, सीबीआई मामले में कर रही है पूछताछ। सांसद वरुण गांधी ने फिर सरकार को लिया आड़े हाथ, ट्वीट कर जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए देश में 60 लाख स्वीकृत पदों के खाली होने की दी जानकारी। फिर बढ़ा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मरीज आए सामने, वहीं 33 लोगों की गई जान। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है मानसून।